ताबीर के घर से कोई फोन नहीं उठा रहा था ना, उसका मोबाइल तो मैंने इसे कहा कि लैंडलाइन पे फोन कर ले। मेरी तो नींद ही उड़ गई जब से मैंने सुना। वैसे आपा, दोनों भाइयों के बीच में हुआ क्या था? अब इस तरह की खबरें तो आए दिन टीवी में और अखबारों में हम सुनते ही रहते हैं। मगर ऐसा इत्तेफाक क्या? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। ये तो दोनों भाई ही बता सकते हैं। बस आपा, खैर की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उसकी जान बचा ले। लो, जिसे गोली लगी हो वो बचता है भला? भाभी, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की जात बचाने वाली है। हाँ वो तो है, लेकिन गोली तो गोली है ना आपा। आप ताबीर को वापस घर ले आती, ऐसे हालात में वहाँ क्यों छोड़ आई? अच्छा किया ना भाई, उनकी बहू है तो उनके कहने से ही आ जाएगी ना। बेटी तो हमारी है ना, फिकर है हमें उसकी। मैं खुद जाकर लेकर आती। बाप, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो यहाँ पे। बेटा ये वाला नंबर है, ट्राई करो इसे। जी मैं करती हूँ। क्या कहता है? ये तो पूछना मुझे याद ही नहीं रहा। उस बेचारे ने क्या कहना है, वो तो बहुत परेशान है। कह रहा था कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी, तब तक जमानत बहुत मुश्किल है। हाँ, फहद के बयान के बाद ही कुछ हो सकता है। तो उसकी हालत है बयान देने वाली? तायरा, अब ठीक हो रहा है, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया है। मगर ऑपरेशन के बाद तो टाइम लगता है ना ठीक होते आपा। आप पता नहीं वो कब होती है वो बहाली? नहीं, वो अंग्रेजी का कोई लफ्ज है, रिकवरी। हाँ हाँ वही, रिकोई, रिकवरी। अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों बोलती हूँ? क्यों नहीं आती? अभी बोला तो है मैंने आपके सामने। हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं अम्मी, कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, हो सकता है फिर घर में कोई ना हो। थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लेना, मामू और ममाने के लिए जाके चाय बना लाओ। आप जी अम्मी। बेटा वो चाय के साथ ना कुछ खाने के लिए भी ले आना। पता नहीं क्यों भूख सी महसूस हो रही है अभी। ताहिरा? हाँ तो क्या है इसमें? मेरे नंद का घर है भाई। नंद क्या, बल्कि मेरी बहन का घर है। जाओ बेटा कुछ खाने के लिए भी ले आओ, चाय के साथ। हाँ मैं लाती हूँ। आप प्लीज मेरी बात करवा दें इमरान साहब से एक दफा। वो मैंने कहा है उनको, मगर वो मान ही नहीं रहे। आपका नाम सुनते ही वो डांटना शुरू कर देते हैं। पहले तो बहुत ठीक थे मेरे साथ। ठीक है, मुझे उन्हें और पैसे देने पड़ेंगे। और मैंने उनसे बात की थी, मगर वो आपका नाम सुनने को तैयार नहीं। जब से वो आपके घर से होके आए हैं ना, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। मेरे घर से? क्यों, वहां ऐसा क्या हो गया? अच्छा मैं समझ रहा हूं, वो क्या चाहते हैं। लिख लिए सारे बयान? जी ये एक इत्तफाकी हादसा ही है ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सीधी सी रिपोर्ट है कि एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद की खातिर गोली मारी है। तो सर जी ये सामी मोटी है, उससे पूछ ले। कभी मुजरिम से पूछ कर तफ्तीश की रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो ये मानेगा कि उसने ये जुर्म किया? मेरा मतलब था वो। मैं तेरा मतलब समझ रहा हूं, मगर हमने खुदा को जान देनी है। हम वही रिपोर्ट बनाएंगे जो हमारी तफ्तीश कह रही होगी। मैं कह रहा था वो पागल हो गए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसीलिए तो मैं खुल के बात नहीं कर रहा जी। और जो तू खुल के बात नहीं कर रहा वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, समझा? वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं, जाके रिपोर्ट ठीक लिखवा। ठीक है जी, आप अफसर हो, जो आप समझते हैं वो हम तो नहीं ना समझ सकते ना जी। शुक्र है मेरी कोई तो बात तेरी समझ में आई। चल जा, जाके रिपोर्ट लिखवा। ठीक है सर। हम्म
चाचा जी। बेटा मेरा फोन रखा था कमरे में, मिल नहीं रहा। बेटा वही होगा, अच्छी तरह देख ले। आप किचन में काम कर रही थी, बाहर ना भूल गई हो? नहीं। आप मेरे फोन से आप कॉल मिला के देखो बेटा। बंद मिल रहा है। अब वही होगा, आप चेक कर लो। शायद बैटरी लो गई होगी, मैं फिर भी कमरे में चेक कर लेती हूँ। ठीक है। किधर है मेरा फोन? छुपा तो नहीं दिया। आ जाओ। अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या तकलीफ है? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था, हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे मोबाइल की? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि ये मेरे पास तो नहीं है। नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था किसी ने आपको ना पकड़ा दिया हो, यहाँ आपने कहीं देखा? देखो अपनी ऊट पटांग बातों से मेरा बीबी मत हाय करो। जारा से पूछ लें। क्यों? तुम जाके जारा से पूछ लो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। जैसे तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसे भी पूछ लो जाके। वो बुरा ना मान जाए। ओह आई सी, उसके बुरा मनाने का बड़ा डर है तुम्हें। मुझसे तो मुंह फाड़ के तुमने पूछ लिया। अब जाओ, जा जा के अनवर से बात करो। जी।